Now, we have question number 121. This question is from the topic radioactivity. This is very simple question. यहाँ पर बेटा हमसे बात कहा गया है. क्वेश्चन में ये बोला गया है फॉर ए रेडियो एक्टिव मेटीरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स. हाफ लाइफ 10 मिनट्स, ठीक है. इफ इनिशियली देयर आर 600 नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई. इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बेटा उसने दे रखा है. इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सपोज करिए हम लेते हैं यन नॉट, तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की संख्या उसने दिया है, नंबर दिया दैट इज 600. नाउ कह रहा है कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद की बात कर रहा है. मतलब अब जो बचे हुए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे 300. मतलब 300 क्या हो गया डीके, इतना बचा तो 600 माइनस 300 क्या हो गया डीके. और फिर यहाँ पर बेटा ये तो बचा हुआ रहा, और डीकेट की अगर हम बात करें कितना डीके हुआ वो भी 300 होगा. यहाँ पर बेटा फिर एक हाफ लाइफ बाद और अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 150, फिर से हाफ हो जाएगा. ये तो बेटा हमारे पास मान लो यन टू, ये बचा हुआ अमाउंट को, बचा हुआ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को, तो वो न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट हो गए वो 600 टोटल से 150 बचा, तो डिसइंटीग्रेटेड हो गए 450. यहां पर बेटा वो कहा जितने टाइम में 450 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे वो समय कितना होगा, तो रिक्वायर्ड समय जो होगा बेटा टू हाफ लाइफ के बराबर होगा. यहाँ पर बेटा 2 हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखा है 10, तो बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं. ये होगा बेटा 20 मिनट. अगर हम इसके ऑप्शन पर देखें तो करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 3. दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 121. नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 122. Now, we have question number 122. This question is basically from the topic photoelectric emission. It is me एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों के सामने रखा गया है. वो कह रहा है 2 मीटर, यहाँ पर हमसे बात भी किया गया है. When light of frequency 2 nu naught, where nu naught is the threshold frequency, the incident on a metal plate, the maximum velocity of electron emitted is v1. यहाँ से बेटा कह रहा है जब इसके ऊपर ऐसा फ्रीक्वेंसी डाला जा रहा है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 2 गुना है, 2 टाइम्स है, देन यहाँ से फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होना मींस कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है. जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी लेकर, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ के अंदर दिया गया है v1, ठीक है. सेम मेटल के प्लेट पर, सेम मेटल पर जब बेटा ये फ्रीक्वेंसी जो डाली जा रही फोटॉन की, इसको बढ़ाकर पहले केस में जो था, दूसरे केस में इसको बढ़ाकर अगर ये 5 μ0 कर दिया जाता है, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है मैक्सिमम एनर्जी लेकर, बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है मैक्सिमम एनर्जी लेकर, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी सपोज करिए v2 है, तो सपोज नहीं बल्कि दिया हुआ है कि इसकी वेलोसिटी v2 है, तो हमसे पूछा गया v1 और v2 का रेशियो क्या है. यहाँ जो मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का है वो दिया गया है v2. v1 और v2 का रेशियो पूछा गया है. बड़ा सिंपल सा इसका सलूशन होगा. यहाँ पर बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन की बात करें तो आने वाले फोटॉन की एनर्जी दैट इज px into 2 nu naught will be equal to work function, जो भी work function की energy खर्च हुआ होगा w, plus our maximum kinetic energy जो कि होगा half m v1 का square. पहले केस में तो यहाँ पर बेटा half times half m into v1 का square equal to हो जाएगा w for work function, and work function can be written as px into nu naught. Nu naught is the threshold frequency. Now हाफ यंग इनटू वी वन का स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर एच न्यू नॉट, यहाँ 2 एच न्यू नॉट, ये बचा एच न्यू नॉट. सिंपली अगर हम यही कंडीशन दूसरे के लिए अप्लाई
तो यहां पर होगा h इनटू 5 mu naught, दिस विल बी इक्वल टू h mu naught प्लस हाफ m इनटू v2 का स्क्वायर। बेटा जी यहां पर हमारे पास आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ m इनटू v2 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h mu naught। अगर हम दो इक्वेशंस का रेशियो ले लें, इक्वेशन 1 और 2 का अगर रेशियो ले लें 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास होगा बेटा v1 डिवाइडेड बाय v2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1/4। दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन वी कैन गेट हियर, v1 डिवाइडेड बाय v2 दिस विल बी इक्वल टू 1/2। The correct answer for this particular question should be 1/2 and then option correct option should be 3. This was the solution for the question number 122. Now let's move on to question number 123. Now we have question number 123. This question is from the chapter Atomic Structure. एक बहुत सामान्य सी बात बेटा यहाँ पर पूछी गई है। The ratio of kinetic energy to the total energy of electron in Bohr's orbit of hydrogen atom. Bohr's orbit of hydrogen atom. बेटा hydrogen atom का Bohr's orbit मतलब जिसके लिए Bohr की theory लागू। यहाँ पर हमसे पूछा गया है ratio क्या होगा? Total energy of electron, kinetic energy to total energy. बेटा जी यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बोर्स ऑर्बिट में इस तरह से मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस। बेटा और इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये हो जाता है टोटल एनर्जी। इन तीनों एनर्जी में कोरिलेशन होता है बेटा, बहुत सामान्य सी बात है, हर एक ऑन एवरेज हर बच्चे को मालूम होता है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव में 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ के अंदर होती है वो होती है माइनस 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और बेटा यहाँ पर जो हमारा टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है वो होता है माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, रेशियो जो हमसे यहाँ पूछा गया है वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी टू दी टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में बेटा अगर यहाँ के अंदर हम रिलेशन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन, देखिए जितना काइनेटिक एनर्जी उतना ही टोटल बसाते साइन अलग अलग है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है। बेटा तो यहाँ अगर हम माइनस चिन्ह लगा देते हैं तो दोनों यहाँ इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी दिस शुड बी इक्वल टू माइनस 1। और अगर रेशियो वाइज ऑप्शन वाइज देखें तो बेटा करेक्ट रेशियो होगा 1:1 पॉजिटिव फॉर काइनेटिक एनर्जी, माइनस 1 नेगेटिव फॉर टोटल एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट शुड बी ऑप्शन 2। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 123। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 124।